Hello everyone, my name is Santosh Kumar Prasad and welcome to my YouTube channel SANT. Guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस airtel 3G dongle और इसे modem भी बोलते हैं तो इससे net के data के लिए use किया जाता है, जिसे हम laptop या किसी भी PC में connect करके इसका use करते हैं, लेकिन ये 3G है. तो 3G तो मतलब अब बंद हो गया, अब तो 4G और अब तो 5G भी आ रहा है, तो ये तो काफ़ी पुराना है. इसका हम पहले यूज़ करते थे नेट डेटा के लिए. तो इसी एयरटेल 3G को आज मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा. इसके अंदर के कंपोनेंट्स, जो भी एक्सेसरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब आप लोगों को मैं सब खोल के दिखाऊंगा. तो फिर चलो जल्दी से मैं आप लोगों को सब खोल के दिखा देता हूँ. गाइस, ये मतलब काफ़ी, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी, ये बारीकी से इसे मतलब बहुत ही इसमें पेच लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो इसे खोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी. और आप लोगों की बात बता दूं मैं, ये एयरटेल 3G डोंगल है एयरटेल का. तो एयरटेल कंपनी तो काफ़ी अच्छी है. अब तो एयरटेल 5G आ रहा है, तो चलिए आप लोगों को मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ जिसमें इसके अंदर के कंपोनेंट्स के. तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. चलिए फिर खोल के दिखाता हूँ मैं इसे जल्दी से आप लोगों को. तो गाइस देखिए, इसे मैंने पूरा इस तरीके से खोल लिया है और इसे खोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है. इसे मुझे पूरा तोड़ना पड़ा इसे खोलने के लिए. तो चलिए इसके अंदर के कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. तो देखिए, इसमें ये इस तरीके का पूरा एक सॉकेट बना हुआ है, इसे PCB बोर्ड भी बोलते हैं. और यहाँ पर इसके, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इस जगह पर जो है, यहाँ पर हम इसमें एक मेमोरी कार्ड डालते थे, जो कि मुझे इसे तोड़ने के लिए ये थोड़ा सा मतलब टूट गया आएगा. तो इस जगह पे यहाँ से इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल सकते थे, जिससे कि हम इसमें डेटा को अपने सेव रख सकते थे. और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये सिम कार्ड कनेक्ट करने की जगह है, जो एयरटेल 3G यहाँ पे हम इससे कनेक्ट कर सकते थे. और गैस, ये इसमें लॉक नहीं खुला हुआ था, इसलिए हम इसमें दूसरा तो सिम कार्ड नहीं डाल सकते थे. लेकिन इस जगह पर बस 3G एयरटेल का जो सिम है वो अच्छे से सपोर्ट कर जाता था, तो ये उसका कनेक्ट करने का है. और बाकी आप लोगों को पूरा ये दिख रहा होगा, ये अंदर से कुछ इस तरीके से था इसके अंदर. और यहाँ पे मेटल का कुछ प्लेट लगा हुआ है, तो शायद इसी का एक कॉम्पोनेंट्स है. तो ये रहा इसका ही. और इसके एयरटेल का जो ब्रांड का जो नाम है, ये ऊपर से यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है. और एयरटेल टेलीकॉम कंपनी तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क यूज़ होता है इसका. तो ये उसका ये ब्रांड का नेम का जो ऊपर का कवर है, ये वो है. बाकी इसमें प्लास्टिक बॉडी का था ये पूरा, जो कि मेड इन चाइना का बना हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना का है. तो ये उसका ऊपर का पूरा प्लास्टिक बॉडी का कवर है. और ये अंदर का मेन कंपोनेंट जो था वो यही है इसके अंदर, जो पीछे से एक मेटल का प्लेट है और आगे से कुछ इस तरीके से. और भाई, इस जगह पर इसमें एक LED लाइट भी है यहाँ पे, जो जलती थी यहाँ पे. तो अभी तो ये टूट, मैंने तोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए. तो अभी तो ये जल नहीं सकता ऐसे, क्योंकि अब तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से. तो इस तरीके से है. और इसका यहाँ पे एक USB लगा हुआ था, जो खोलते टाइम ये टूट गया था. तो इस USB से हम इसे अपने PC को, मतलब अपने कंप्यूटर में इसे कनेक्ट करते थे, जो CPU में है, जो USB से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे डेटा केबल का होता है USB. तो ये बिल्कुल इसी तरीके से था इसमें. और इसका ये कैप था जो ऊपर से लगाने के लिए. तो इतना ही था इस चैनल, बाकी तो आप लोगों ने ऐसे दिखा दिया इसे. तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना. और गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता है तो चैनल को जरूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना.